आफ्टरनून और आप लोग देख रहे होंगे ये मैं कहाँ आ गई हूँ। मैं आ गई हूँ कानपुर, यानी कि अपने घर। और थोड़ा चेंज लग रहा होगा ना, वही पहले वाला रूटीन आ गया है। और यहाँ पे चारों तरफ आप देख रहे हो क्योंकि यहाँ पेंट का काम हो गया चालू। और चारों तरफ ये देखो सामान चारों तरफ फैला हुआ है बहुत ज्यादा। अब मैं 4-5 दिन आप लोगों को यही नजर आने वाली हूँ, फिर उसके बाद ही ये देखो सब आपकी। बस मैं जल्दी फटाफट कर लेती हूँ कपड़े चेंज। मैं बस जस्ट कितना बज रहा है, 1 बज गया। मैं 11 बजे आ गई थी, खाना पीना खा लिया, तो अभी जल्दी जल्दी कपड़े चेंज कर लेते, सामान एडजस्ट क्या सब हटाना है पेंट के लिए। आ गए अपने पुराने वेस में और यहाँ चल रहा है काम। एक्चुअली यहाँ पे ना मैंने आप लोगों को दिखाई होगी दीवार पे लगी थी दुर्गा जी की फोटो, ये देखो ये माता रानी है। इनको हटाया है अभी, मुझे पता ही नहीं चला उन्होंने हटा दिया, बट ये हाँ कौन आ गया पापा। भाभी जब भी बात करती हूँ प्रिया को याद आता है, सबसे बड़ा दिमाग यही सब देख देख के मैं डिस्टर्ब हो रहा है चारों तरफ, क्योंकि डिसाइड ही नहीं हो पा रहा कौन सी दीवार कौन सी किससे करानी क्या होना है। इन्होंने आज लिया है ऑफ, तो अपना कल ये चले जाएंगे। वही मैं कह रही थी आज जब चले जाओगे तो फिर मैं कल कैसे क्या काम करूँगी, देखो क्या होता है क्या नहीं। मेरा दोरा दिमाग खराब चारों तरफ काम पड़ा, देखो कितने दिन मैं यहाँ रहती हूँ कितना दिन लगता है, कुछ डिसाइड नहीं है मेरा। अब आज आपको मेरी कम आ रही हूँ क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ बहुत ज़्यादा। काम देख देख के तो यार मुझे आ रही है भयंकर वाली नींद, आंखों में एकदम से भारी पाना आ रही है, क्या करूँ मैं, कैसे फैला हुआ चारों तरफ सामान। हे भगवान इतना सारा काम ये मम्मी सी जान कैसे कर पाएगी। एक सारी अलमारियाँ सब खाली हो गए, एनी को सुला दिया है, एनी नीचे मम्मी वाले रूम में सॉरी मम्मी वाले रूम में भी होगा, अभी ऊपर का हुआ जा रहा है और मम्मी वाले रूम का भी होना है। ये पता नहीं कहाँ चले गए हैं, उससे बोल गया अभी यहाँ पे पता नहीं कहाँ निकल गए। पीरी 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 है ना, हाँ पीरी पीरी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अभी हम लोग खा रहे हैं मैगी, बहुत दिन बाद आज मैंने मैगी बनाई है। कितने दिन बाद खाने को मिला ना आपके साथ है? दोनों लोग लगे पड़े अपनी अपनी चम्मच दबा। आप लोग कितना मेरा रूम खाली खाली सा हो गया है, ये देखो पूरा सामान भरा है
ये अलमारी खाली अभी हुई है और ये लेंटर पे हुआ है अभी कलर। ये सब देखो फ्लावर वगैरह है, यहाँ सब अलमारी के खाली करके यहाँ लगा दिए हैं। सब चारों तरफ हौच पौच मची हुई है। मस्ती गया, इसको भी नींद आ रही है। 10:30 बज गया है और मेरी तो शाम से 6 बजे से ही आंखें बंद हो रही हैं, बैंकर वाली नींद आ रही है। पता नहीं क्यों इतनी थकान सी हो रही है, बहुत थकान सी हो रही है और ज़्यादा। और आज मैंने कुछ भी मतलब ऐसा शेयर नहीं किया आप लोगों से, बस ये दिखाया कि आज मैं यहाँ पे आई थी। रास्ते का ब्लॉग नहीं बनाया था मैंने, आई थी और बस पूरे दिन का मैं आप लोगों से शेयर भी क्या करती हूँ, वही सब चलता रहा, साफ सफाई क्या सामान यहाँ से वहाँ होता रहा, तो बस वही सब है। और जैसे जैसे भी कलर होता जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी डेली ब्लॉग बना पाऊँ। आज तो तबीयत नहीं ठीक लग रही है तो मैं बस थोड़ा सा आज ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाई हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए। और गाइस क्या है नहीं, इनकी भी हालत खराब है, ये भी बहुत थकान में है। ये मेरे ब्लॉग में आज आप लोगों को देखने को 15 दिन बाद मतलब 12 से 15 दिन हो गए मुझे आज देखने को मिल रहे हैं आप लोग को, वो भी अभी सही से नहीं। मैं किसी दिन जब तक यहाँ रहूंगी किसी दिन आप लोगों को मिलवाऊंगी सही से, क्योंकि काफी टाइम भी हो गया। आप लोग कई लोग पूछ रहे थे मैम आपके अभी नहीं देखे इतने दिन से, तो मैं इस टाइम मायके में थी और मैं 4-5 दिन के लिए आई हूँ, घर में काम चल रहा है। तो बस मैं कल मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ एनी के साथ। क्या कर रही हो, पापा को मार रही हो, एंड कर दो। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज बहुत ज़्यादा थकानों की बात भी नहीं हो रही, चलो इसको सुलाते हैं। बाय बाय, टेक केयर गाइस, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना।